ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 7 फरवरी 2019 गुरुवार का दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है एवं गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। शतभिषा नामक नक्षत्र है, कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे तथा दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेंगे। दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क एवं केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु इन 5 राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। इसके अलावा स्थायी संपत्ति भी इनको प्राप्त हो सकती है। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, अचानक फायदा हो सकता है, बिजनेस में नए सौदे आपके हो सकते हैं, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, पारिवारिक सुख और संतोष बना रहेगा। अपने कामकाज और कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। दिन में कई बार आपका ध्यान सेहत या पहनावे की ओर जा सकता है। जो भी काम आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं उसे निपटा ले। कुछ खास लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है। नई शुरुआत करने में भी आप सफल रहेंगे। सलाह या मदद के लिए कुछ लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। और उपाय के रूप में गुड़ का दान गणेश जी के मंदिर में भी आप करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप काफी सक्रिय और व्यस्त हो रहेंगे। बिजनेस के मामले में किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले। छोटे मोटे सौदे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी की गुप्त बात या कोई राज आपको पता चल सकता है। आज मिलने वाले पैसों को आने वाले समय के लिए आप बचा करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप व्यावहारिक रहेंगे और चतुरता से काम भी करेंगे। आप कोई नई चीज सीख सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। फोन पर बातचीत के जरिए कोई बड़ा सौदा निपटाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाइयों, दोस्तों और अन्य परिचितों से आपको फायदा होगा, उनकी मदद भी प्राप्त होगी। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में रोटी में गुड़ लगा करके यदि आप छत पर रखेंगे तो दिन आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कामकाज ज्यादा रहेगा। आज आप नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई फैसला भी कर सकते हैं या ऐसा ही मन बना सकते हैं। नए अनुभव भी होंगे। मन की बातें सुने, अपने वादे पूरे करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। बिजनेस और नौकरी के बड़े मामले पर कुछ फैसले आप कर सकते हैं या प्लानिंग बन सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार होने का योग बन रहा है। आमदनी बढ़ाने तथा खर्चों में कटौती करने पर विचार भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लेन देन के मामले आपके निपट सकते हैं। नौकरी में बदलाव और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। परिवार और समाज में आपकी तारीफ होगी। और उपाय के रूप में गाय को हरी सब्जी या हरी घास आप खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कुछ नया और ज्यादा करने की सोच आपके मन में उत्पन्न होगी। आने वाले दिनों में कुछ बड़े काम करने के लिए आप योजना बना सकते हैं। रुके हुए काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। प्रेमी या दोस्तों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। सफलता मिलने के योग है। दूसरों की तारीफ आप कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों पर नजर रखें, अपनी चीजों को संभाल करके रखें। विद्वानों के साथ उठने बैठने का अवसर आपको प्राप्त होगा। पत्नी से सहयोग तथा समर्थन आपको प्राप्त होगा। खान पान पर कंट्रोल रखना आपको आवश्यक रहेगा। और उपाय के रूप में किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े का दान यदि आप करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। मेहनत से आगे बढ़ने में आप सफल रहेंगे। नए काम करने का मन बनेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आपकी पूरी हो जाएगी। आप जिस काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। कुछ अच्छे मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। रोजगार की जरूरत है तो कोशिश करें, जरूरी लोगों से मिले, चर्चा करें। आपको आगे का रास्ता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कर्ज या लोन लेने का मन है
तो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। रुके हुए काम आपके निपट जाएंगे, पुरानी परेशानियां सुलझ सकती है, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। व्यापारिक फैसले सोच समझ करके करें, कोई बड़ा फैसला होने का योग बन रहा है। बीमारी से आपको राहत मिलेगी और परिवार के कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के रूप में आंवले का जूस यदि आप पिएंगे या फिर आंवला खाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। स्थान में बदलाव संबंधी कोई प्लान बन सकता है या कोई ऐसी बात भी आपके सामने आ सकती है, या यह भी हो सकता है कि पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आसपास के लोग आपको बहुत गंभीरता से लेंगे, आप अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। साथ के कुछ लोगों की मदद मिलने का योग है, आपसी तालमेल बढ़ सकता है, परिवार से सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। अपनी वस्तुएं आपको संभाल कर रखना चाहिए, शेयर सट्टेबाजी या किसी भी ऐसे रिस्की काम में बिल्कुल पैसा न लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी को उधार पैसे देने से भी आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में हरी सब्जी का दान यदि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पुरानी परेशानियां समाप्त होने का योग बन रहा है, आप बहुत से मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। आज आप साथ वालों की मदद करके भी खुद आगे बढ़ सकेंगे। बिजनेस और नौकरी में नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, मन में उदारता रहेगी। घर परिवार से जुड़े मामले निपटाने में समय आपका व्यतीत हो सकता है। घर परिवार में कोई मामला बहुत दिनों से अटका पड़ा है तो वह भी सुलझ सकता है, आप कोशिश करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर रहेगी, भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के ऊपर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप मछलियों को गोली खिलाएंगे आटे की हल्दी डाल करके तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर के मामले में दिन अच्छा रहेगा, सेविंग और धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के मामलों में समय अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने की संभावनाएं बन रही है। ऑफिस और बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए कुछ लोगों से सलाह भी आपको प्राप्त होगी। समय पर मदद मिलने की भी संभावनाएं पूरी बन रही है। धन लाभ होगा, मीठा और तहजीब से बोलकर अपने काम पूरे करवा लेंगे। किसी खास इंसान से अपनी भावनाएं आप शेयर कर सकते हैं, खुले अंदाज में भी बातें करेंगे। जिन लोगों से कुछ अनबन चल रही है उनसे संबंधों में सुधार होगा। प्रेम के क्षेत्र के लिए दिन अच्छा है, रोमांस भी रहेगा, आपके कामों की तारीफ होगी। अधूरे काम समय पर पूरे होने से संतोष प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात का योग बन रहा है, सेहत पर ध्यान दें, परिवार के लोगों से समय पर आपको मदद प्राप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में अपने छत पर यदि आप दाने डालेंगे पक्षियों के निमित्त तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। भविष्य को लेकर के कई तरह की बातें और प्लानिंग हो सकती है, अचानक फायदा मिलने का योग बन रहा है। पार्टनर से भी आपको जो है सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ भी होगा, पुराना कर्जा समाप्त हो सकता है। अपने पैसों की स्थिति साफ करें, फालतू खर्चों पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। नए इनकम सोर्स मिलने का योग बन रहा है, कोई पार्ट टाइम काम मिलने की संभावनाएं बन रही है। महंगी चीजों की खरीदारी हो सकती है, पड़ोसियों और भाइयों के साथ बातचीत होगी, किसी खास मामले में विचार विमर्श हो सकता है, दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी, दूसरों की मदद करेंगे और उनमें आपको जो है आगे बढ़ करके हिस्सा लेना होगा। संतान के लिए आपको समय निकालना होगा। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के गेहूं या फिर आटे का दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परेशानियों से निपटने के लिए नए सिरे से आप कोशिश करेंगे, आपके काम साथ के लोगों को भी अच्छे लगेंगे। ऑफिस में मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा, किसी मददगार इंसान से भी आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों से फायदा होने का योग है, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन, नई संपत्ति, नया घर या कोई भी नई वस्तु खरीदने का आपका मन बनेगा। किसी दूर स्थान के व्यक्ति से आपको सलाह भी प्राप्त होगी, निवेश या खर्चों को लेकर के चर्चा हो सकती है। और उपाय के रूप में कच्चे दूध में यदि आप हल्दी डाल करके माँ दुर्गा जी को स्नान कराएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। घर और परिवार को लेकर के जो टेंशन अभी तक चल रही है वह समाप्त होने का योग है। समझदारी के दम पर आप सभी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे।
रुके हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। साथ काम करने वाले लोग और परिवार वाले भी आपकी मदद कर सकते हैं। काम का बोझ अधिक रहेगा, कामकाज के तरीकों में बदलाव करने से आपको फायदा होगा। दूसरों की मदद भी आप कर सकते हैं, घर में मरम्मत या सुधार का विचार भी आपका हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तक का यदि आप दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। रुके हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे, मकान की समस्या का समाधान हो जाएगा और आपके सितारों की स्थिति आपके लिए खास रहेगी। सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, सामूहिक कार्यों के लिए आप अग्रसित रहेंगे। साथ ही प्रतियोगी जैसी परीक्षा यदि आप कोई देने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आज आप बोलने के बजाय सुनने पर ज्यादा ध्यान दें, इससे आपको कोई जरूरी बात भी पता चलेगी। खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है और उपाय के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि आप अन्न का दान करते हैं या भोजन का दान करते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।